हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सेवर किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने बनाई है। तो सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे, जो कि सरसों का होगा, मस्टर्ड ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हम अपने मेथी दाना। ये देख सकते हैं मेथी दानों को हमें कच्चा नहीं छोड़ना, अगर ये कच्चे होंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बिटर होगा, जो कि कड़वा लगेगा। और इसमें ऐड कर लेंगे अपना हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है अपने कद्दू के अंदर, तो आप कोशिश करें मेथी और हींग का तड़का जरूर मारें। साथ ही ऐड कर लेंगे अपने हम कद्दू, जो हमने ऑलरेडी स्लाइसेस में कट कर लिए थे। अब सिर्फ और भी पतला कट कर सकते हैं, बट मेरे को इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए ये। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे कोरिएंडर पाउडर। आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च वाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा ऐड करेंगे टर्मरिक। मोस्टली क्या होता है, लोग इसमें हल्दी ऐड नहीं करते हैं, बट मैं तो ऐड करती हूँ, बिकॉज हल्दी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें हम अपने जीरा पाउडर डाल देंगे, घर का बना हुआ रोस्टेड, ये तो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे मसालों की कोटिंग है वो हमारे वेजिटेबल पे अच्छी तरह से चिपक जाए, हमारे कद्दू पर। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारा कद्दू लगेगा। इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली आप कोशिश करें कि इसमें जितना हो सके मोटी वाली ऐड करें, बिकॉज मोटी वाली का बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है, पतली वाली का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। मेरे पास ये नॉर्मल साइज थी, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब उसमें हम ऐड करेंगे अपना कोरिएंडर उसमें दो बार ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बना रहे हैं हलवाई स्टाइल में, तो वो इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हैं। देखिए कुछ उस तरह से ही हमारी सब्जी बनेगी। अब उसमें ऐड कर देंगे हम हाफ ग्लास ऑफ वाटर। और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बन जाती है। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा कद्दू कुक हो गया ऑलमोस्ट 70%। आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे अपना ब्लैक सॉल्ट। तो जो ब्लैक सॉल्ट का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर, तो इसे प्लीज़ आप स्किप ना करें। और साथ में हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, और हमारा कद्दू जो एक साधारण सी सब्जी है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। तो अगर आप मेरी रेसिपी को इस तरह से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कद्दू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसे कवर कर देते हैं, ताकि जो हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है उसका पूरा फ्लेवर हमारे कद्दू में आ जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम शुगर, क्योंकि देखिए हलवाई स्टाइल का जो कद्दू होता है वो खट्टा मीठा होता है, इसीलिए मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। आप चाहे तो उसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को शुगर का ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना चाट मसाला खट्टे के लिए। आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो, बट चाट मसाला का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे भी स्किप ना करें। अगर नहीं है तो अमचूर पाउडर भी चलेगा, मैंगो पाउडर। तो देखिए इसे मैंने कवर कर दिया। 3 मिनट के बाद मैं देखती हूँ हमारा कद्दू बिल्कुल रेडी हो गया है, और देखने में बिल्कुल लग रहा है हलवाई स्टाइल। इसे हम ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे अपने कोरिएंडर से, और इसे सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में बहुत जल्द। बाय बाय।